पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा था कि हे महाकाल, कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा न हो। अब दिग्गी के इस बयान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय सिंह अगले जन्म में भारत में नहीं पाकिस्तान में पैदा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सिंधिया वाले बयान को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा था कि हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। इसके साथ ही अब प्रदेश सरकार में सिंधिया खेमे के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि ये तीनों लोगों के स्वामी प्रभु महाकाल दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति जिसने कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया है, आपसे मेरी कामना है अगले जन्म में इन्हें पाकिस्तान में पैदा करना। मैं ये कहूंगा कि हे तीनों लोगों के स्वामी महाकाल प्रभु दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति को जिसने कांग्रेस का पूरा बंटाधार कर दिया, मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया, आप महाकाल प्रभु से मेरी यही कामना है कि दिग्विजय सिंह जो अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा करना। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।